सफाई कर्मचारी विनोद खरे वाल्मीकि के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए वाल्मीकि समाज के द्वारा दिया गया आवेदन। खबर एसपी ऑफिस से आ रही है, जहां विनोद खरे वाल्मीकि का शव 19 तारीख को करबला पर मिला। इसके हत्यारों को अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके चलते आज समस्त वाल्मीकि समाज और अधिकारी कर्मचारी संघ भारत ने एसपी को आवेदन दिया और बताया कि विनोद खरे पुत्र अशोक खरे की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मृतक की लाश करबला के पास पुलिस को मिली थी। इसके हत्यारों की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अज्ञात हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और गिरफ्तारी नहीं की जाती तो शिवपुरी की समस्त वाल्मीकि समाज उग्र आंदोलन करेगी। नगर पालिका का समस्त सफाई का कार्य बंद कर दिया जाएगा, ग्वालियर संभाग का भी। और इस प्रकार चेतावनी पूरे पुलिस प्रशासन को दी गई है। एसपी ऑफिस हम बहुत गंभीर समस्या को लेकर आए हैं। 18 तारीख को हमारी वाल्मीकि समाज के विनोद खरे जी की हत्या की गई थी और उनकी लाश जो है करबला पे प्राप्त हुई थी, जिसमें अभी तक कोई भी अपराधी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमने निवेदन किया है एसपी साहब से कि अति शीघ्र उस मर्डर का खुलासा करें और अपराधियों को पकड़ के शलाकों के पीछे करें। इस पे अति शीघ्र इस हत्याकांड के अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो शिवपुरी की समस्त वाल्मीकि समाज बड़ा आंदोलन करेगी।